आज हम उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, सारा स्वाद आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इसकी स्टफिंग देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने मिर्ची भी फ्राई की है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू को बॉईल कर लिए। 7 से 8 आलू है, जिसे हमने कुकर में 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लिए है। इसका छिलका निकाल लिए है। अब इसे हम मैशर की सहायता से मैश कर देंगे। मीडियम साइज के आलू है, आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हो। आलू अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल रखे गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे और राई को हम तड़कने देंगे। राई तड़क रहा है, देखिए यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट कर लिए है। 8 से 10 कली लहसुन है, 1/2 इंच अदरक है, 3 से 4 हरी मिर्च है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा। अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम भून लेंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन चला गया है, इसी वक्त इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। स्वादानुसार हमें नमक डालना है। यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक का यूज़ की हूँ, आप अपने हिसाब से नमक लीजिए। आँच इस वक्त एकदम धीमा है। इसी वक्त इसमें हम बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे ढेर सारा। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में इसमें हम 1/2 नींबू का रस निचोड़ लेंगे। नींबू का रस हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है, पहले नहीं डालना है। नींबू का रस हमने निचोड़े है तो एक बार और अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में हमने बहुत ही कम मसाले का यूज़ किया है, पर बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है उल्टा वड़ा पाव में। इतने मसाले में एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने 2 कटोरी बेसन लिए है, इसमें हम 1/4 कटोरी चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से बहुत ही अच्छा बैटर बनकर तैयार होता है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच ही डालेंगे। इसमें हमें स्वादानुसार नमक डालना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पहले हमने 1 गिलास पानी डाले थे, अभी 1/2 गिलास पानी डाले हैं। टोटल 1.5 गिलास पानी यहाँ पर यूज़ हो गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से देखिए फेंट लिए हैं। घोल देखिए इस तरह से रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। देखिए अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। हम हरी चटनी पीस लेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 कली लहसुन लिए हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, जिसे हम कट करके डालेंगे। 2 हरी मिर्च है, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए। ढेर सारा हम हरी धनिया डालेंगे। और यहाँ पर हमने पुदीना लिए है, पुदीना डालना है। पुदीना का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटनी में ज़रूर डालिए। स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा ही नमक का हमें यूज़ करना है, ज़्यादा नमक नहीं हम इसमें डालेंगे चटनी में। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। चटनी देखिए हमारी पीस कर तैयार हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हरी तीखी चटपटी सी चटनी हमारी तैयार है। यहाँ पर मैं टोमेटो केचप का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो मीठी चटनी भी लगा सकते हो। बेसन के घोल को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम 2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 2 पिंच डालना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल देखिए परफेक्ट बनकर तैयार है, ऐसा ही घोल हमें चाहिए। यहाँ पर हमने पाव लिए है, पाव को हम अलग कर देंगे। पाव को हम बीच में से कट करेंगे, इसे हम सेंटर से कट करेंगे, पूरा कट करके अलग नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से पाव में हम एक तरफ तीखी चटनी लगाएंगे। चटनी आप अपने हिसाब से लगाइए, कम ज़्यादा
जितना आपको चटनी पसंद हो उस हिसाब से लगाइए। एक तरफ हम टोमेटो केचप लगाएंगे, खट्टा मीठा जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप मीठी चटनी मत लगाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, जितना हो सके उतना स्टफिंग भरना है। स्टफिंग भरने में हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, जितना ज़्यादा स्टफिंग भरा रहेगा उल्टा वड़ा पाव खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से हमें बनाकर सब तैयार कर लेना है। पहले हम तीखा चटनी लगाएंगे, हरी चटनी लगाना है, फिर इसके ऊपर हम टोमेटो केचप लगाएंगे। चटनी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कम ज़्यादा। अगर आपको गार्लिक चटनी लगाना है तो आप उसे लगाइए, मीठा नहीं पसंद है तो टोमेटो केचप मत लगाइए। फिर इसमें हमें स्टफिंग भर लेना है। बहुत ही अच्छा उल्टा वड़ा बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ऐसे ही सब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। हमने ऑयल भी रखे है गर्म होने के लिए, अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल रखे, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। एक हम उल्टा वड़ा पाव लेंगे, बेसन में डिप करेंगे, अच्छे से हमें बेसन में डिप करना है। इसे हम फ्राई होने देंगे, एक तरफ से थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो ही हम इसे पलटी करेंगे। इसे हम उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई करना है। अब इसे हम पलट देंगे। देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुका है, दूसरी तरफ से भी हमें फ्राई कर लेना है। कलर आप अपने हिसाब से रखिए, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए दोनों तरफ से कलर आ गया है, इसे अब हम ऑयल में से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर और नहीं करेंगे। देखिए ऐसे ही बनाकर हमें सब तैयार कर लेना है। एक और फ्राई करके बताती हूँ। पहले पाव को हम डिप करेंगे बेसन में, अच्छे से डिप कर लेना है। फिर इसे हम ऑयल में डालेंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए हमें ऑयल में ही रहने देना है। फिर उसके बाद में हम इसे पलटेंगे, एक तरफ से हो जाए तभी इसे हमें पलटना है। देखिए अब इसे हम पलट कर देखते हैं। देखिए थोड़ा डार्क कलर करना होगा तो हम कर लेंगे। इस तरह से उलट पलट कर हिलाते घुमाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए, पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही मज़ेदार नई नई रेसिपी के लिए। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो शौक से खाते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें दोनों तरफ से कलर आ गया है, इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। सारे हमें ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए उल्टा वड़ा पाव हमने बनाकर तैयार कर लिए है। मैं आपको एक कट करके बताती हूँ, आप इसकी स्टफिंग देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें सारा स्वाद आपको मिल जाएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। हमने यहाँ पर मिर्ची भी फ्राई किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।